अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है। उसके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है। इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइफ की जर्नी पर पड़ता है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को
ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। फ्रेंड्स, द 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ नॉलेज। दिस इज द टाइम टू इंक्रीज फोकस ऑन लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डज। दिस पॉलिसी वॉन्ट्स टू मेक योर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस फ्रूटफुल, ब्रॉड बेज, वन दैट गाइड्स यू टू योर नेचुरल पैशंस। फ्रेंड्स, यू आर अमंग द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ इंडिया। दिस हैकेथॉन इज नॉट द फर्स्ट प्रॉब्लम यू हैव ट्राइड टू सॉल्व, nor is this is the last. I want you and youngsters like you not to stop doing three things: learning, questioning, solving. When you learn, you get the wisdom to question. When you question, you get out of the box methods to solve problems. When you do that, you grow. Due to your effort, our nation grows. Our planet prospers. Friends, India's national education policy reflects these spirits. We are shifting from the burden of the school bag, which does not last beyond school, to the boon of learning, which helps for life. From simply memorizing to critical thinking. For years, the limitations of the system had an adverse effect on the lives of students. No longer. The national education policy reflects the aspirations of young India. It is not process-centric. It is people-centric and future-centric. Friends, among the most exciting things of the policy is the emphasis on interdisciplinary study. This concept has been gaining popularity, and rightly so. One side does not fit all. One subject does not define who you are. There are no limits to discovering something new. Human history has many examples of stalwarts who have accelerated in diverse areas, be it Aryabhatta, Leonardo da Vinci, Helen Keller, Gurudev Tagore. Now, we have done away with some traditional boundaries between arts, science, commerce. If someone is interested, they can learn maths and music together, or coding and chemistry together. This will ensure the focus is on what the student wants to learn, rather than what the student is expected to do by society. Interdisciplinary studies gives you control. In the process, it also makes you flexible. In the national education policy, flexibility has been given great importance. There are provisions for multiple entry and exits. No one way streets for students. Ek sankadi gali nahi hogi ab. The undergraduate experience can either be a 3 or 4 year journey. Student will enjoy
द एडवांटेज ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विच विल स्टोर ऑल द एकेडमिक क्रेडिट एक्वायर्ड दिस कैन बी ट्रांसफर्ड एंड काउंटेड इन द फाइनल डिग्री. Such flexibility was long needed in our education system. I am happy the national education policy has addressed this aspect. Friends, national education policy is big on access to education. Starting from primary education, in higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. Other efforts, be it gender inclusion fund, special education zones, question for open and distance learning will also help. Sathiyo, hamare samvidhan ke mukhya shilpi, hamare desh ke mahan shikshavid डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो. यह शिक्षा नीति उनके इस विचार को भी समर्पित है. ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है. यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है. इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है. एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा. मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी. महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर. कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से. पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी. महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण. क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार. डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली.